सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने एक जो वोटिंग पोल होता है वो डाला था मेरा जो इंस्टाग्राम uh, वाला जो पेज है यंग uh, उसके ऊपर मैंने स्टोरी के अंदर ये वोटिंग वाला पोल डाला था जिसमें कि मोस्ट ऑफ दी uh, जो वोट थे वो कार्डिन प्रिंसिपल्स को गए थे इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो so, uh, आज का वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो पूरा क्वेश्चन है वो दो तीन चीज तीन Uh, गई के अंदर पूछा जा सकता है तो फर्स्ट वन विच इज कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी सेकंड वन विच इज अ फंडामेंटल लॉज और मे बी दे प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी एंड दूसरा जो इसका क्वेश्चन होता है ना वो इस तरीके से पूछा जाता है कि लॉज ऑफ होम्योपैथी ठीक है तो यहाँ पर इन छोट हम इन सारी चीजों की बात करें तो हमारे पास ये चीज आती है कि ऑफ होम्योपैथी ऑफ होम्योपैथी राइट सो से मेन पर कॉन्टीन प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स सेकेंड थिंग विच इज ऑन लॉज राइट सो होम्योपैथी जो है वो प्रिंसिपल्स एंड लॉज के ऊपर डिपेंडेट है अब वो लॉज कौन से हैं जिसकी वजह से हम हाँ, जिसकी हेनप से हम होम्योपैथी को समझ पाएंगे या फिर तो हमें होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है वो लॉल्स को, क्राडि, तो okay? so, को हम कहते हैं फंडामेंटल लॉज या फिर तो लॉज ऑफ होम्योपैथी ओके सो इन ही सारे लॉज को हम पढ़ेंगे और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आता है तो उसे आप किस तरीके से लिखोगे तो बेसिकली कुछ बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कि भाई होम्योपैथी के लॉ प्रिंसिपल्स हैं लेकिन इन रियालिटी देर इज ओनली सेवन प्रिंसिपल्स आर देयर जिसमें कि हम आज सातों के सातों प्रिंसिपल्स को देखने वाले हैं ठीक है तो मैं सारे प्रिंसिपल्स को यहाँ पर सारे लॉज को यहाँ पर एक पर ले देती हूँ जिससे कि आपको आगे जाकर कन्फ्यूजन ना हो so, सो यहाँ पर इस चीज को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपको आ, किस तरीके से याद रखनी है ये सारी चीजें राइट अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो तो इट्स ओके फॉर यू लेकिन जो लोग फर्स्ट ईयर में है जो लोग तो पहली बार होम्योपैथी से मिल रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें याद नहीं रहती हैं ठीक है ठीके? जब मैं भी फर्स्ट थी तो मुझे ये स्टेटमेंट्स जो थे वो याद नहीं रहते थे तो इसके लिए मैंने एक चीज बनाई है कि देर इज अ थ्री लॉस देर इज अन्स ठीक है तो वो हम देखते दे हैं आगे कि क्या क्या मैं बोल रही हूँ ठीक है सो फर्स्ट वन विच इज अफ सिर डायरेक्ट दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ सिंपल एक्स देर्ड वन अगेन थ्री लॉज आर देर मीन थर्ड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मिनिमम डोज ठीक है कहीं कहीं पर आपको सिर्फ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा लॉ ऑफ मिनिमम राइट लेकिन आपको फिर वही क्वेश्चन बताया कि क्या मिनिमम क्या सो मिनिमम डोज ओके अब यहाँ पर हमारे पास हुए थ्री लॉज सेकेंड थिंग है हमारे पास टू uh, डॉक्ट्राइट ओके okay. ये वर्ड जो सारे ना वो भी मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्ट्राइन क्या होता है थियोरी किसको हम कहते हैं और लॉ हम किसको कहते हैं सो डॉक्ट्राइन ऑफ अ प्रूविंग ओके एंड द फिफ्थ वन विच इज अगेन अ डॉक्ट्राइन डॉक्टर ऑफ एंड देयर इज अ टू of uh, theories so theory of vital force and and the last in the seventh principle of the movement is the theory of chronic diseases okay अब फर्स्ट लॉ और द फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट अकामिक प्रिंसिपल इट इज द लॉफ सिमिलिया अब यहाँ पर हमारे पास चीज आती है वर्ड आता है यहाँ पर हमारे पास अमिलिया और सिमिलिया से पहले भी हमारे पास ये वर्ड आता है लॉ ठीक है अब आपने यहाँ पर देखा कि तीन लॉ हमने लिखे दो डॉक्टर हमने लिखे दो थियोरी लिखी ऐसा क्यों सबको हम लॉ क्यों नहीं लिख सकते तो यहाँ पर एक बात आती है कि जब हम किसी लॉ के बारे में बात करते हैं तो वो क्या चीज़ होती है वो एकदम सटीक चीज़ होती है वो एकदम सच चीज़ होती है वो नेचुरली भी लॉजिकली भी हम उसको रीजन भी देकर समझा सकते हैं किसी को इन शॉर्ट की वो एकदम हंड्रेड परसेंट ट्रूथ है ठीक है तो उस चीज़ को हम कहते हैं लॉ सेकेंड थिंग हम डॉक्टरायन किसको कहते हैं डॉक्टरायन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमें करनी है या फिर तो जो चीजों को अगर हमें समझाना है तो हमें उसको फिजिकली करके बताना हो ठीक है उस चीज को हम कहते हैं डॉक्टरायन एंड हियरिंग क्या होती है ठीक है अब यहाँ पर बात आती थियरी की तो थियोरी क्या होती है कि थियोरी वो चीज़ होती है जिसे आप लिख कर समझा सकते हो या फिर की जिसको आप इतना एक जो पेपर्स होते हैं जो थियरीज की शॉर्ट अगर देखिए तो बहुत सारी क्वेरीज होती है सिर्फ मेडिकल के लिए ही नहीं बहुत सारे जो लिटरेचर्स होते हैं उनमें थियोरीज होती है राइट थियरी ये चीज़ें हैं जो कि जिनका कि हमें खुद पता होता है और उसे हम इजीली लिख कर बता सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ठीक है तो इसे हम कहते हैं थियोरी और डॉक्टर मैंने आपको समझा दिया क्या होता है और डॉ हमने समझा दिया क्या होता है अब हम बात करते हैं नो ऑफ सिमिलिया की अब हमने सिर्फ सिमिलिया सिर्फ और सिर्फ सिंपल डोज के आगे नो नोट्यू लगाया क्या वर्ड होता है कि हम होम्योपैथी की बात करें तो जो जैसा कि हमारा होम्योपैथी का वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करें होम्योपैथी का सो देर इज अ टू वर्ड विच इज अ होमो एंड ओके तो ये जो दो वर्ड्स हैं उन दोनों वर्ड्स को हम तोड़कर देखेंगे कि इसका मतलब क्या बनता है ओके okay? सो so, जो फोनो या फिर तो सेमियो जो है, उसका मतलब होता है सिमिलर ओके okay? एंड जो पैथोस है उसका मतलब होता है सफरिंग ओके okay? सिमिलर सफरिंग अब होमियोबेटिज जो है उसका इन से मतलब होता है सिमिलर सफरिंग या फिर तो अ सिमिलिम मंग छपरे ठीक है तो यहाँ से ए, ए, एक नई चीज आती है जिसे सिमिलिया सो so, जो सिमिलिया है राइट उसका मतलब ये होता है कि एकदम सटीक तरीके से बिल्कुल जो एक चीज हमारे पास है जिसका कंपेयर हम दूसरी चीज के साथ करने वाले हैं वो दोनों चीजें सटीक तरीके से एक दूसरे से मिलती जुलती है अनरोना में वो भी चीज अलग नहीं है ठीक है उसे हम कहते हैं सिमिलिया विकेट तो जो होम्योपैथी है आ, उसका की हमने वर्ड मीनिंग देखा सिमिलर That means कि जो हम हम मेडिसिन होम्योपैथी में मेडिसिन बनाते हैं वो जो मेडिसिन है इक्वल टू सिम्टम्स ओके हम आपको ये समझ रहे इम्पोर्टेंट कि हम किस तरीके से कहते हैं कि भाई हमारी जो मेडिसिन है उसका जो सारे सिम्टम्स है उसका जो एक्शन है वही सेम एक्शन जो जो डिजीज को हम क्योर करने जा रहे हैं उसका करना चाहिए जो भी सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास किसी कोई मलेरिया का पेशेंट आया है ठीक है तो आपने देखा होगा कि मलेरिया बहुत सारे लोगों को होता है लेकिन सारे लोगों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक मलेरिया का सिस्टम है लाइक चिल स्टेज एंड देन स्वेप स्टेज एंड हॉट स्टेज इस तरीके का मलेरिया का सीवन होता है तो वो उस चीज से हम रहेंगे लेकिन कुछ के अंदर आ, कुछ अलग चीजें कुछ अलग सिम्टम्स उन्हें मिलेंगे कुछ वो के अंदर वो वो जो सिम्टम पहले इंसान के अंदर मिले थे वो नहीं मिले थी। ठीक है यहाँ से आ, बात आती है इंडिविजुअलाइजेशन ठीक है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग है तो अब, अब अगर हम यहाँ पर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है कि जो वो वो उस पेशेंट के मलेरिया के सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स अगर हमारी मटीरिया मीडिया की कोई ड्रग के अंदर सेम सेम से, से, सिम्टम्स आपको मिलते है, हैं तभी हम उस मेडिसिन वो उस पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर डिजीज के ऑफ करने के लिए दे सकते हैं विच मीन्स द सिमिलिया द नो सिमिलिया ठीक है तो यहाँ पर आपको यही चीज़ देखनी है कि जो आप जो कोई मेडिसिन दे रहे हो वो आपका जो केस है वो आपका जो डिजीज आप क्योर करने जा रहे हो उसके सिम्टम्स से कितना मैच होता है ओके okay? ऐसा नहीं कि भाई मलेरिया का पेशेंट आए फीवर है फीवर के लिए अलग मेडिसिन दो उसको मले तो मले के लिए अलग से मेडिसिन दो एक पेन किलर दे दो एक फीवर के लिए पैरासिटाम दे दो ऐसा नहीं लेकिन हमें मटेरिया के अंदर देखना है कि कौन सी मेडिसिन के अंदर वो सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि हम एक पेशा को क्योर करने के लिए दे सकते हैं ओके okay, तो ये हमारा लॉ सिमिल अब आपको इसे एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ठीक है तो ये चीज आपको सबसे पहले तो लिखनी है कि होम्योपैथी का मतलब क्या होता है सेकेंड थिंग आपको ये समझाना है कि जब भाई मेडिसिन के सिम्टम्स होंगे वही हमारी डिजीज के सिम्टम होंगे या फिर तो जो डिजीज आप क्योर करने वाले हो वही सेम सिम्टम्स आपको मेडिसिन के अंदर भी मिलने चाहिए ठीक है अब उसके आगे क्या आता है उसके आगे एक ट्रेटमेंट आती है ओके अब हमने बोला कि एक लॉ है तो लॉ की स्टेटमेंट होती है ओके तो ये हमारा जो लॉ ऑफ सिमिलिया है उसकी स्टेटमेंट कुछ किस तरीके से है सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेटर जो जो ये पूरा मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट सिमिलिया, सिमिलिबस क्यूरेंटर इसी तरीके का आपको जो लॉ है ना उसको लिखना है स्टेटमेंट को लिखना है अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो क्यूरेंटर के बदले लिखते हैं इस तरीके से क्यूरटर लिखते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग चीज हो जाती है जो कि सबसे पहले हिपोक्रेट ने कही थी तो या आ, जो है उन्होंने ये चीज बताई थी कि वह ठीक है उन्होंने ये बोला था कि जो ना सिमिलर चीजों को खत्म कर देती उन्होंने इस जो पूरा ये जो पूरा लॉ है उसको मेडिसिनली उन्होंने चोर लेने के लिए इस चीज को बोला था उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सली इस चीज को बोला था कि वही सेम चीजें चीज को मार देती है ठीक है लेकिन ने ये कहा कि सिमिलिया सिमिली बस क्यूरेंटर होता है अब इसका मतलब क्या होता है ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो जर्मन लैंग्वेज में है तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है लाइक लाइक ओके दैट मीन्स कि जो सेम चीज़ है जो एक चीज़ है वो अगर दूसरी चीज़ से सेम हुई अगर हुई तभी आ, वो उस चीज़ को आ, वो मेडिसिन उस डिजीज को क्योर कर पाए उसके अलावा नहीं ओके okay, तो उन्होंने ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो सर ने दिया था और अगर हम यहाँ पर क्यूरेटर के बदले क्यूरिनटर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है लेट लाइक बाई लाइक अब हमारे पास अब हम फाइनली हमारा वो होम्योपैथी है उसे डिफाइंड कर सकते हैं ठीक है तो आपको ऐसे इतना नहीं एग्जाम में कि नाउ डिफाइंड द होम्योपैथी इन सच अ वे ओके उसकी एक सिंपल डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी द थेरापेटिक द थेरापेटिक मेथड ऑफ सिमिलारिटी, ओके, okay? ये जो है वो होम्योपैथी की डेफिनेशन है की जो है, ठीक है वो क्या है कि इट इज अ मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है तो मेथड है। थेरापेटिक मीन्स की किसी भी चीज को क्योर करने के लिए जो चीज जो काम हम करते हैं वो होता है थेरापुणिक. सो थेराप्यूटिक मेथड ऑफ द सिम्टम सिमिलारिटी ठीक है हम क्यों किस तरीके से करेंगे सिम्टम की सिमिलारिटी देखकर करते हैं कि डॉक्टर हैने मन ने इस लॉ को क्या बोला ठीक है इस लॉ को नाम तो उन्होंने दिया लॉ ऑफ सिमिलिया लेकिन उन्होंने इस लॉ को क्या बोला उसके आगे उन्होंने बोला कि ये जो लॉ है वो है लॉ ऑफ प्योर दिस इज द ओनली लॉ ऑफ प्योर एंड it is the universal law universal law or the basic a ba basic law of therapy ठीक है ये तीन चीज़ें उन्होंने बोली इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में कि अगर हमें क्योर चाहिए तो हमें इस लॉ के अकॉर्डिंग चलना होगा एंड सेकेंड थिंग कि आ, आपको एग्जाम में लिखना है ये समझाया है कि जो कि मैंने आपको यहाँ पर आगे समझाया कि डिजीज के सिम्टम मेडिसिन के सिम्टम से सेम होने चाहिए सेकेंड थिंग आपको ये सारा बताना है कि होम्यो क्या होता है पेथोस क्या होता है दैट सेमिलिबस से क्या है और ये कहाँ से आया है वॉट इज सिमिलिया सिमिलबस क्यूरिनर वो किसने दिया था हिपो ने दिया था उसका मतलब क्या था और डॉक्टर हेनिंग ने क्या बोला विच इज़ दिस एंड उसका मतलब क्या होता है ठीक आगे 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 है आपको ये बताना है इस को क्या क्या बोला ओके एंड लास्टली हम ये बात करेंगे की ये बात होती है लॉ सिमिलियर की अब अगर हम ऑर्गेनॉल में देखते हैं तो आपको कहीं पर ये लॉ सिमिलियर लिखा हुआ नहीं मिलेगा ठीक है लेकिन आपको इन द एसोरिजिन नंबर ट्वेंटी सिक्स तो हैनेमन ने एक दूसरा लॉ दिया विच इज अ थेराप्यूटिक लॉ ऑफ क्योर थेराप्यूटिक लॉ ऑफ क्योर ओके okay. तो ये जो एफोरिज्म नंबर ट्वेंटी सिक्स है उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो जो वीक चीज़ होती है उसके ऊपर जो आ, जिसकी पावर ज़्यादा है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है एंड जो वीक चीज होती है वो बॉडी में से निकल जाती है ये बताया है तो आपको ये भी चीज लिखनी है और अगर हो सके तो आपको जो एफ नंबर ट्वेंटी सिक्स का जो पूरा स्टेटमेंट है वो याद रहेंगे तो आप यहाँ पर एड कर सकते हो अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड लॉ के बारे में विच इज द लॉ ऑफ सिम्पलेक्स ओके okay, या फिर तो हम इसको बुक्सान दे सकते हैं विच इज अल रेमे ओके तो ये जो अब एक पूरा लॉ है अगेन इज अ राइट आपको ये चीज देखनी है कि ये भी लॉ भी हंड्रेड एंड टेन परसेंट सच है ओके okay, तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा था सिमलियां लाइक लाइक उसी तरीके का इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट है या फिर तो इसको अगर हम हाँ एक वर्ड में एक सिंगल लाइन में समझाने की कोशिश करें तो दिस दे, दे, पर्टिकुलर लॉ मीन्स गिविंग ओनली वन मेडिसिन एट अ टाइम ये मतलब होता है इस आ, पूरे लॉ का तो आ, देन मींस कि जो सिंपल रेमेडी हमने आगे भी ये समझाया अब यहाँ पर एक चीज देखो कि तुमने यही समझ लिया कि हम मेडिसिन को किस बेसिस किसिस कि है? है? तो ने बता दिया कि भाई तुमको कितनी मेडिसिन दे रही है सिर्फ एक ही मेडिसिन दे रही है सिर्फ एक ही पैक को ऐसा नहीं दो हजार तुमने एक साथ दे रही ओके डोज हम यहाँ पर डोज की बात नहीं करें हम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की बात करें सपोज कि अगर आपके पास पेशेंट आता है उसके सारे सिम्टम पल्से ग्लास मिलते हैं तो आप पल्से टीला को ही उस वक्त प्रिस्क्राइब करोगे ना कि आप पल्से टीला के साथ आर्सेनिक को प्रिस्क्राइब करोगे ठीक कर okay? है ये क्लासिकल लोग नहीं ओके देन सेकेंड थी हमारे पास कि इसके अंदर अफोरिज्म नंबर टू सेवेंटी टू के अंतर, 270, अंतर ने बोला है ओनली वन सिंपल सिंपल मेडिसिन इट बी एडमिनिस्टर इन द गिवन केस एट द टाइम उसके अंदर ने इस पूरे जो लॉ ऑफ सिंपल एक्स है उसको फाइनली बताया है कि हमें क्या करना है उनसे एक मेडिसिन लेनी है वो भी कैसी सिंपल एंड सिंगल ओके एंड सिंगल ओके ना कि ऐसा है कि दो दो मेडिसिनल सब्सटेंसेस को और यहाँ पर उन्होंने ये भी बात क्लियर की है मेडिसिनल सब्सपेंसेस ऐसा नहीं है कि तुम दोनों चीजों को मिक्स करेंगे एक मेडिसिन एक दो के ये भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इन द होम्योपैथी ठीक है लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इट इज नॉट द क्लासिकल होम्योपैथी ओके तो क्या करना है हमको कि एक ही मेडिसिन लेनी है एक ही मेडिसिन स्टैम्प देना है और उसका भी एक ही जो डोज है वो आपको गिवन टाइम के अंदर देना है जो भी है डो ऑफ सिंपल अब हम बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों ठीक है जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो ये लॉज है वो किसी रीजन से आप समझा सकते हो इसके पीछे कोई लॉजिक होता है जैसे कि मैं आपको बताना भूलिए कि जो लॉ ऑफ सिमेरिया था वो आ, किस बेसिस के ऊपर ने दिया था तो वो उन्होंने दिया था इंडक्टिव लॉजिक के ऊपर ठीक है इंडक्टिव लॉजिक को यूज करते हुए उन्होंने इस पूरे लॉ को दिया और यहाँ पर जो लॉ ऑफ सिंपलक्स है उसके कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगी कि भाई इस रीजंस की वजह से हम इसको लॉ ऑफ सिंपलैक्स कहते हैं और क्यों ये होम्योपैथी में है हम बात करेंगे इसके रीजंस के बारे में okay. सो uh, so, इस यहां पर मैंने कुछ फाइव रीजंस लिखे हुए हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो फर्स्ट रीजन है वो देखेंगे कि भाई इट्स ड्रॉप प्रूविंग ओके okay? uh, ये जो ड्रॉप प्रूविंग है वो भी हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ही है तो जो ड्रग प्रूविक होती है उसके अंदर भी हम सिर्फ एक ही मेडिसिन को ड्रप्रूव करते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि हमने अगर से की कि ड्रग प्रूविंग बन भी है तो हम उसके साथ की भी ड्रग प्रूविंग करेंगे ऐसा हम नहीं कर सकते ठीक है तो अगर जब ड्रग प्रूविंग हुई थी तो वो सिर्फ वन मेडिसिन की हुई थी तो फिर हम किस तरीके से उस चीज को देने के टाइम पर उस चीज को प्रिस्क्राइब करने के टाइम पर हम दूसरी को उसके साथ मिक्स कर सकते हैं ठीक है नहीं कर सकते तो वही बात यहाँ पर उन्होंने जो की एक, एक हमने आगे समझाया कि, वो से करते हैं कि इते पर, इते पर उस मेडिसिन कि पर्टिकुलर टाइप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिजीज के अंदर हम ये मेडिसिन देंगे जब हमने लॉ ऑफ सिमिलिया नहीं बता दिया कि आपको आपका एट ए गिवन टाइम के अंदर वो एक की जो मेडिसिन है वो आपकी सिमिलिया हो सकती है तो फिर हम कैसे दो 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 मेडिसिन एक ही टाइम पर दे सकते हैं बिकॉज कि उस वक्त के लिए उस पेशेंट के लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन क्या होंगी सिमिलिया होंगी राइट सिमिलिया सिर्फ एक ही मेडिसिन हो सकती है राइट एंड द थर्ड पॉइंट कि हम क्यों दो मेडिसिन को मिक्स नहीं करते रहे विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लॉजिकल कि भाई जब हम दो मेडिसिन अगर एक पेशेंट को देते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी कौन सी मेडिसिन ने एक्ट किया है ठीक है लाइफ वाइज की अगर हमने दो मेडिसिन दी तो हमें नहीं पता चलेगा कि एग्रावेशन किस हो रहा है या फिर तो कौन सी मेडिसिन ने उस पेशेंट को क्योर किया है राइट right? और क्योर तो होगा ही नहीं अगर हमने दो मेडिसिन दी है तो राइट right? तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सी मेडिसिन ने वर्क किया है एंड नाउ द नाउ द फोर्थ उसके बाद अगर कोई एग्रा होता है या फिर तो आ, कोई न्यू या फिर सिर्फ तो कोई ओल्ड सिम्टम अपीयर होते हैं ठीक है बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो वो पॉसिबिलिटी कौन सी मेडिसिन की वजह से आई ठीक है ये भी क्वेश्चन वहां को जाता है कि कौन सी मेडिसिन की वजह से ही सारी चीजें हुई तो अ इन शॉट की आपको अगर दो दोनों मेडिसिन दो तीन मेडिसिन अगर आप एक साथ दे रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी मेडिसिन ने क्या वर्क किया है और मैं यहाँ पर एक दूसरा जो लास्ट पॉइंट है आ, वो मैं आपको बता दी हूँ विच इज आल्सो वेरी लॉजिक पर ठीक है कि आ, जो वाइटन फोर्स है ओके वाइटन फोर्स वाइटन फोर्स आपने बहुत ज्यादा सुनवाई होमियोपैथी तो आगे भी हम देखेंगे कि वायरल फोर्स क्या है रिफोर्स ये भी एक हमारा बेसिक प्रिंसिपल है तो वाइडल फोर्स जो है, वो इन एक चीज़ है जिसकी वजह से हम जिंदा है ओके अभी तक ये समझ लो यहाँ पर कैसी चीज जिसकी वजह से हम जिंदा है जो कि आपको दिखती नहीं है क्योंकि वो जो एक्शन करता है वो एक दिखता है ओके उसको अभी तक कहा फोर्स। तो आ, मैंने बोला दिखता है उसका वॉक हमें दिखता है दैट मीन की वो एक चीज है राइट

ओके okay, so तो अब यहाँ पर हमारे पास आता है फर्स्ट वन विच इज एम ओके तो मिनिमम इट मीन की कम से कम चीज एंड सेकेंड थिट इज डोज ओके तो कोई भी मेडिसिन जब आप प्रिस्क्राइब करते हो तो उसका डोज आपको तो बताओ ना इज इम्पोर्टेंट कि कौन से पर्सन को कितना डोज देना है और कौन से पर्सन के लिए कितना डोज मेडिम रहेगा कौन से पर्सन के लिए कितना डोज मैक्सिमम रहेगा दैट मीन्स की अगर आप बच्चे को ज्यादा डोज दे रहे हो तो देट इज वॉट टू मच फॉर हिम राइट तो आपको ये सब भी समझना पड़ेगा जो की एक पूरा टॉपिक है लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक चीज समझा लेती हूँ इन दफोरिज्म आपको सारे जो एफरिज्म तो पेज लिखना इस वेरी इसी के मार्ग सो एफोरिज्म नंबर टू हंड्रेड एंड सेवेंटी टू के अंदर मैंने उन सर ने क्लियर कर बताया है की मेडिसिन शुड बी ऑन द प्रोपर साइज ठीक है उन्होंने क्या बोलासिन शुड बी इन प्रॉपर साइज उन्होंने बोला प्रॉपर साइज वाइज ठीक है तो आपको मेडिसिन की साइज नहीं देखनी है उसका मेटे नहीं देखना है कि भाई ग्लोबी इतने ही और सपोज की जो ग्लोबी है वो तो मेडिसिन है भी नहीं ओके तो साइज आपको नहीं देखनी है शुड भी लेकिन प्रॉपर साइज आपको बता होना चाहिए कि कितनी साइज होती है और अब मेन बात आती है कि प्रॉपर साइज और रादर smallest of doors. लेट नो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि उसका जो मटेरियलिस्टिक साइज है वो मेंटेन नहीं करता है लेकिन क्या मेंटेन करता है उसका डोज मेंटेन करता है लाइक कि आपको स्मॉलेस्ट डोज देना है अब हम आगे देखेंगे कि क्यों इतना स्मॉलेस्ट डोज देना है राइट right? क्यों देना है हम क्यों हाई डोज देकर उसको जल्दी निपटा नहीं सकते बिकॉज ये अगर आप हाई डोज दोगे तो पर जो आपका पेशेंट है वही नहीं पड़ जाएगा yeah. Yeah. कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथी वर्क नहीं करती वर्क नहीं करती लेकिन अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो अगर उसको तो एस प्रसि पर दे दोगे तो वो पेशेंट वही का वहीं मर जाएगा hey, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कितना डोज देना है सो so, यहाँ पर बात है मिनिमम डोज की सो वी शुड गिव मेडिसिन इन अ वेरी हाई डोज यहाँ पर हम डोज में क्या बात कर रहे हैं डोज दैट मीन्स क्या बिकॉज ये अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको भी होगा कि डोज क्या होता है तो डोज क्या है विच इज अ क्वान्टिटी क्वान्टिटी ऑफ द मेडिसिन दैट मीन्स कि कितनी क्वान्टिटी में आप मेडिसिन दे रहे हो डेट मीन्स uh, की लाइफ वाइज की यहाँ पर हम कोई uh, जो हमारा रिव्यूज है उसकी बात नहीं करता है तो हम जो मेडिसिन है उसके कितने ड्रॉप्स डाले उसकी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हमने उस पोटेंसी उसका बोस कितना है राइट right? तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी पोटेंसी कितनी है और उसके अंदर भी उसका डोज कितना है उस क्या होता है सुबह ले ली तुमने शाम को, को ले ली तुमने रात को ले ठीक है तो इसको कहते हैं बोझ ओके इज़ अ क्वान्टिटी ऑफ द मेडिसिन सेकेंड थिंग दैट मीन्स वी शुड गिव द क्वांटिटी दैट इज सफिशेंट टू एट ने वाइट ये ये पूरा में लिखा है बोला है कि आपको स्मॉलेस्ट क्वॉंटिटी भी नहीं है स्मॉलेस्ट डोज ना है लेकिन कितना स्मॉलेस्ट डोज जो कि पेशेंट को ठीक है पेशेंट को क्योर करे ना कि ऐसा कोई असर ही ना हो रही आपको ये देखना मज इम्पोर्टेंट कि पेशेंट की इंग क्या है पेशेंट का जो सिमटम है और वो कितनी इंटेंसिटी से आ रहा है कितनी फ्रिक्वेंसी है उसकी इन सारी चीजों को लेकर आपको पता लगेगा कि डोज कितना देना है ये जो सारी चीजें हैं समझ में नहीं आ रही एवं बिकॉज की आपको पोस्ोलॉजी नहीं पता जब आपको पोस्टोलॉजी पता चलेगा तब आपको पता चलेगा कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमको कितना डोज देना है हो सकता है कि आपकी एक मेडिसिन दूसरे सिंह एक मेडिसिन आप दो पेशेंट को दे रहे हो लेकिन उसका डोज डिफर करेगा ठीक है तो यहाँ से ही इंडिविजुअलाइजेशन होता है ओके okay? अब हम आगे देखेंगे कि एडवांटेजेस uh, क्या होते हैं किसके जो हम ये मेनिम मिनिमम दोस्त बोल रहे हैं मिनिमम दोस्त क्यों देंगे उसका कोई एडवांटेज तो हो रहा होगा ना तभी हम दे रहे हैं या फिर तो उसका कोई रीजन तो होगा तभी हम दे रहे हैं ठीक है तो वही रीजन वही एडवांटेजेस हम देखेंगे आगे हम देखेंगे की तो वही एडवांटेजेस क्या है इन सारी चीजों के तो उसके अंदर फर्स्ट एडवांटेज है अवॉइड अन वेड अनवाड एग्रावेशन ठीक है तो क्या होता है कि जो आ, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका खुद का एक एग्रावेशन तो होता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई एक्शन नहीं है अगर आपने उसको गलत डोज में ले लिया तो उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है और उसका बहुत गलत वाला एग्राव्रेशन भी होता है अगर उसका साइड इफेक्ट नहीं होता तो उसका एग्रावेशन भी होता है साइड इफेक्ट क्या होता है कि दूसरे सिम्टम्स आएंगे एग्राब्रेशन क्या होता है कि वही के वही जो जो सारे सिम्टम्स पेशेंट लेके आया है उसी सिमटम की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी वही सिम्टम बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो अनवांटेड एगरा को रोकने के लिए हम मिनिमम डोज देते हैं जैसे कि मैंने आगे आपको बताया ड्रॉप आप सिमिलिया के अंदर की वही मेडिसिन देंगे जो कि मेडिसिन हमारे डिजीज के सिम्टम्स से सेम है तो अगर हमने वही सेम मेडिसिन को बहुत ज्यादा डोज में दे दिया तो क्या होगा सिम्पल है कि हमारे पास का इस पूरा घड़ा भरा हुआ है पानी का उसके अंदर आप उसी बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हो बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हो तो क्या होगा कि वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा राइट तो उसी तरीके से पेशेंट के अंदर और ज्यादा एग्रावेशन होना शुरू हो जाएगा उसके सिम्टम्स का तो अनवॉन्टेड एग्रावेशन को रोकने के लिए हम मिनिमम डोज देते हैं सेकेंड थिंग है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन विच प्रोड्यूस अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग विम्टम्स वी प्रोड्यूस देन मीनस कि हमने भाई बहुत अच्छे से केस ट्रिकिंग की हमको भाई सता चला कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग है ठीक है तो वो किस बेसिस के ऊपर हमने अलग किया कौन से कैरेक्टरिस्टिक एन एंड अनकॉमन जैसे कि मैंने आपको आगे आ, बताया था एक मलेरिया का आ, एग्जाम्पल लेकर अगर आप अनकॉमन सिम्टम हैं तब आप अलग मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करो एंड ओके तो ये जो चार पांच चीजें हैं वो आपको याद रखनी होगी बिकॉज कि ये सारी चीजें आपको बार बार आएंगी ओके पिकटेरिया कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन ये सारी चीजें वो सारे सिम्टम है तो वो सिंटॉन अगर हमको कोई मेडिसिन से प्रोड्यूस कर तब आपको उसे मिनिमम डोज में देना पड़ेगा अगर आप हाईस्ट में दोगे तो वो वही फॉर्मन सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि फॉमन सिंह उसकी स्टेट के अंदर प्रोड्यूस uh, करता था ठीक है तो हमें इसीलिए लिए uh, वो डोज है वो कम रखना अब थर्ड पॉइंट ये है कि uh, उसकी अगर हमने मिनिमम uh, डोज दिया तो क्या होगा कि ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं आएंगे ऑर्गेनिकेंजेस की पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं आएंगे पेशेंट के अंदर okay? अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा होम्योपैथी के साइड इफेक्ट है लेकिन अगर हमने उसको मिनिममें दिया है तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे अगर यही चीज हमने हाई रूस में दे दी तो उसके साइड इफेक्ट हंडेड टेन परसेंट राइट अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में टू क्योर फुलर को कैसा करना है फुल्ली क्योर करना है किसी क्वेशन या आपको तो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल के अंदर दिखेगा कि भाई फिजिशियन का रोल क्या है फिजिशियन क्या है फिजिशियन का काम क्या होता है तो फुल्ली तो थी। क्योर करने के लिए हमें ये जरूरी चाहिए देन दूसरी बात है ही ऑर्डर टू मेंटेन दिग्टी ठीक है सिग्निटी को मेनटेन करने के लिए अब उन्होंने क्या है के आ, आप बोला यहाँ पर कि अगर हमने मैंने जैसे आपको आगे कहा कि अगर हमने हाई डोज दे दिया तो वो वो, वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो अपने क्रोड फॉर्म में प्रोड्यूस करता था वो कैरेक्टरिस्टिक पिक्चुरिया अनकॉमन डिस्टिंग जो सारे सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेगा लेकिन हमने तो उसी के बेसिस के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन दिया था राइट तो हमें हम, हमारे लिए तो ये सारे सिम्टम ही सिमिलर हुए राइट तो वो सिमिलरिटी को मेंटेन करने के लिए हमें मिनिमम डोज देना होगा सेकेंड थिंग है हमारे पास इन द लास्ट थिंग विच एमडिट अमडिपोजलर ने क्या कहा है उन्होंने एक उ, उनकी तरफ से एक लॉ है ठीक है अगर हम हाँ होम्योपैथी हम हैने मन को छोड़ भी बात करें तो जो एडमिट स्पोजलर है उन्होंने भी कुछ डोज के बारे में कुछ बातें कही है उन्होंने कुछ कहा है कि डोज so, क्या होता है? अगर हमने किसी को स्मॉल uh, डोज दिया तो क्या वो क्या करेगा स्टिम्युलेट करेगा ठीक है lastly, अगर हमने किसी को मीडियम डोज दिया तो क्या होगा उससे पेशेंट हो जाएगा। ठीक है वो पेरालाइज इफेक्ट देता है एंड लास्टली अगर हमने किसी को लार्ज डोज दिया है अगर उसको तो दे है तो क्या होगा मेहमान से ही सकते हो कि हमें अब यहाँ पर बात आती है कि भाई हमने स्मॉल डोज दिया है तो वो तो स्टिम्युलेट करेगा वो कोई करेगा राइट तो अगर यहाँ पर बात आती है कि जो हेम्योपैथिक मरीज अब यहाँ पर अब जब बेपोगे वोडर्स ऑफेंडी ऑफ होम्योपैथिक की ओर तो उसमें आपको मिलेगा प्राइमरी एक्शन ठीक है तो प्राइमरी एक्शन क्या होता है कि जहाँ पर हमने मेडिसिन दी और उस वो जो मेडिसिन है उसकी वजह से जो डिजीज की पावर है वो कम हो जाएगी ठीक है और जो हमारा वाइटल फोर्स है उसकी पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी तो इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी एक्शन ठीक है तो सेकेंडरी रि एक्शन के अंदर क्या होता है कि

ओके आएंगे आप आपको सारी चीजें समझ में आ रही अगर आपने ये समझ लिया तो आप इसे समझ सकोगे तीनों के तीन दिन लॉज राइट अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ वन फोर्थ प्रिंसिपल के बारे तो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल क्या था इट इज अ डॉक्ट्राइन राइट तो वो है डॉक्ट्राइन ऑफ ब्रप तो हम हमारे पास ये बात आती है कि भाई ड्रॉप प्रूविंग है क्या फर्स्ट थी सेकेंड हमारे पास ये बात आती है कि प्रूविंग करनी क्यों राइट तो जो सेकंड पॉइंट है सबसे पहले मैं उसे लेती हूँ कि ड्रॉप प्रूविंग करनी क्यों राइट तो हैनुमन सर जो थे उन्होंने ये बोला था कि जो कोई भी चीज आपके पास चीज़ है प्रूड चीज है ठीक है प्रूड चीज है उसका एक्शन आपको नहीं पता उसका एक्शन आपको नहीं पता तब तक आप उसको आ, तब तक आप उसको नहीं कर सकते उन्होंने okay, तो ये बोला था इन शॉर्ट के उन्होंने क्या बोला है कि इन होम्योपैथी वी कैन नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन विदाउट देर एक्शन ऑन द ऑर्गेनिज्म ठीक है देर एक्शन देर एक्शन ऑन विच कहाँ पर उसका एक्शन यहाँ पर मेन चीज आती है और गैरीज ओके okay? तो हमें क्या देखना है कि भाई ऑर्गेनिज्म से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है ह्यूमंस ओके okay? या फिर तो कोई भी जिंदा चीज ओके okay? तो आ, क्या कहा है वो होने कि अगर कोई भी चीज अगर वो क्रूड फॉर्म है अगर वो प्रोटेटाइज फॉर्म में है लेकिन जहाँ तक आपको इसका एक्शन नहीं पता उसका क्या फंक्शन है वो आपको नहीं पता इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमारा यहाँ पर कंसर्न ह्यूमंस के ऊपर लेकिन हम होम्योपैथी प्लांट्स को भी देते हैं एनिमल्स को भी देते हैं तो इन शॉव की कोई भी लिविंग चीज है उसके ऊपर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या एक्शन है वो अगर आपको नहीं पता तो आप उसको थेरापेटिकली अप्लाई नहीं कर सकते दिस इज द थिंग जो कि एनिमल्सर ने हमें कहा है तो अब हमारे पास ये चीज आती है कि भाई हमको तो होम्योपैथी बनानी है हमको तो मेडिसिन के बारे में पढ़ना है राइट तो हमने हमने क्या बोला कि हम यहाँ पर ड्रग प्रूविंग करेंगे दैट मीन्स कि हम एक सब्सटेंस को लेंगे उसको डायनामाइज करेंगे उसके बाद उसको आ, जो हेल्थी ह्यूमन्स है ठीक है तो यहाँ पर भी हमने क्या बोला की तो हमने क्या हम क्या करते, भी भी की, करते हैं होम्योपैथी में कि हेल्दी के ऊपर नहीं रह जाता हमारी एक मेडिसिन को प्रूव के लिए इन शॉर्ट की हमें क्या पता चलता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन है तो उसका एक्शन अलग अलग लोगों के ऊपर कैसा है राइट तो उसके बाद ही हम उस मेडिसिन को किसी भी, भी चीज को किसी भी पेशेंट को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो इसे हमने बोला डॉक्टराइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। अब इसके अंदर क्या है पूरी प्रोसेस है जो इट सेल्फ ड्रग प्रूविंग है वो एक पूरी प्रोसेस इसीलिए हमने इसको बोला डॉक्टराइन ओके अब करेंगे ऑफ ड्रग प्रूविंग राइट तो ड्रग प्रोइंग की डेफिनेशन का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है और सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन क्या है ये सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन है किस बात राइट इस इन्वेस्टिगेशन है समझ गए कि हमको कुछ इन्वेस्टिगेट करना है सिस्टम में पहले करना है कि भाई एक के बाद एक बाद के, के बाद यही स्टेप्स आएंगे समझ गए कि भाई इन्वेस्टिगेशन करना है सिस्टमिक है लेकिन क्या उसके बाद क्या ऑफ द पेथोजेनिक पावर पेथोजेनिक पावर ऑफ मेडिसिन ठीक है हमको क्या दिखना है कि जो मेडिसिन है बड़े दोस्त पैथोजेनिक पावर इन्वेस्टिगेट करना है एक सिस्टम के अंदर एक लेकिन किसके ऊपर करना है ये भी बात आती है कि किसके ऊपर करना, तो किस करना है तो हमको किसके ऊपर करना है ऑन हेल्दी हमेशा ये याद रखना कि होम्योपैथी के अंदर हम हेल्थी ह्यूम के ऊपर ही मेडिसिन को प्रूव करते हैं राइट ऑन द दल्थी ह्यूमन ह्यूमन के अंदर भी क्या है कि हमारे पास है बोथ दैट दैट मेक मींस और एज ग्रुप एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ओके okay, तो ये पूरी है ड्रग प्रूविंग की ओके ये आपको हमेशा याद रखनी है बहुत तो यह आपको समझ में आया कि क्या है और करते है, right? और दूसरी चीज ये है कि जो पैथ्रोजेनेटिक पावर हमको मिला तो पैथ्रोजेनेटिक पावर का इन्वेस्टिगेशन हमने किया हमको समझ में आया कि भाई ये पैथोजेनेटिक पावर है राइट right? किसका मेडिसिन तो वो क्या है दैथोजेनेटिक तो, जेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन इज एपॉर्डिंग टू क्योरेटिव पावर या फिर तो डिजीज क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन राइट तो उसे क्या होता है कि भाई हमने उसको लिया हमने उसको समझा वायर ड्रग प्रूविंग और उसको आपने रिकॉर्ड किया इन द मटीरिया मेडिकल और उसको उस मटेरियल में डिजर्व वो हमने पढ़ा और उसका हमने यूज उस किया प्रैक्टिकली क्या करने के लिए किसी भी डिजीज को क्यों हम तो बात करेंगे हमारा जो सिक्स फंडामेंटल लॉ है विच इज अगेन अ डॉक्ट्राइन ऑफ डायनामाइजेशन ओके डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या फिर तो डॉक्ट्राइन ऑफ डायनामाइजेशन ठीक है तो अगर हम इस को समझ कोशिश करें कि जैसे डायनामाइजेशन। डायनामाइजेशन को मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर क्रूड चीज़ है हमारे पास ठीक है क्रूड फॉर्म कोई भी चीज है तो उसको तब तक उसके ऊपर प्रोसेस करते रहो जब तक कि वो एक स्पिरिचुअल थिंग के अंदर ना जाए स्पिरिचुअल थिंग से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है कि जो हमें हाँ दिखती ना हो लेकिन उसका एक्शन महसूस कर सके सेम वे जो कि हमने वाइटअ फोर्स के लिए कहा है

क्या है इन विच द मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है या फिर तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज किसकी किसकी किसी भी क्रूड फॉर्म की किसी भी क्रूड सब्सटेंस तो उसकी वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है विच आर रिलेटेड इन द नेचुरल सब्सटैंस दैट मीनस कि जो नेचुरल सॉरी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो नेचुरल या फिर तो क्रूड सब्सटेंस के अंदर क्या है है लीडिंग का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर छुपी हुई है ठीक है उसके अंदर छुपी हुई जो सारी शक्तियां हैं उनको हमें क्या करना है अवेक करना है एंड डेवलप इन टू द एक्टिव फॉर्म ठीक है उसको एक तो अवेक करना है उसको जगाना है प्लस उसको डेवलप करना है इंटू एक्टिव सन ठीक है इस इस पूरी चीज को तो हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डायनामाइजेशन तो इसकी पूरी डेफिनेशन है उसको मैं एक बार पढ़कर बता देती हूँ अ प्रोसेस बाय विच अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड इन नेचुरल सब्सटेंसेस वाइल इन द क्रूड स्टेट बिकम अ बेकन एंड डेवलप इन एक्टिविटी ऑफ एन इनक्रेडिबल डिग्री की हमें ये, ये प्रोसेस है जो क्या करती है मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो ठीक है के तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो सारे क्रूड एलिमेंट्स है क्रूड सब्सटेंसेस है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और उसको जगाने के लिए हमें उसको डायनामाइज करना पड़ता है तो हमारे पास इसके लिए दो मेथड्स हैं एक दो होम्योपैथी तो उसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है वो है ट्राइचुरेशन जो कि हम किस लिए यूज करते हैं जो प्रोसेस हम किस लिए यूज करते हैं फोल्टा इन सॉब सब्सटेंसेस के लिए एंड दूसरी प्रोसेस है हमारे पास इज सबकशन और सक जो है वो हम किस लिए यूज करते फॉर द डायनामाइज फॉर द द पोटेंटाइज दून ओके तो ये तीनों मेथड है हमारे पास और अब लास्टली हम देखेंगे हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के बारे में या फिर दो uh, ये जो सारी चीजें हैं वो हमें कैसे हेल्प करें डायनामाइजेशन हमें कैसे हेल्प करेगा तो उसके अंदर पहली चीज जो है वो है कि टू रिड्यूस द मेडिसिनल ठीक है Reduce, medicinal substance. Okay, अब आप तो तो यहाँ पर बोलोगे की जो आपको मतलब समझाया था मटीरियल चीज को कम करना है और उसका एक्शन बढ़ाना है ठीक है तो हमने आपको वही चीज बोला कि मेडिसिनल सब्सटैंड को कम करना है लेकिन उसके पावर को बढ़ाना है सेकेंड थिंग है हमारे पास

एंडलेस बो uh, पता होगा कि हम के अंदर, uh, से मेडिसिन बनाते हैं हम स्नेक पे अंदर से मेडिसिन बनाते हैं या फिर तो हम ऐसे हार्मुल केमिकल्स के अंदर से भी तो मेडिसिन बनाते हैं मेडिसिन right? तो का जो हार्मलेस थिंग सॉरी हार्मफुल थिंग है उसको घटाने के लिए उसको कम करने के लिए उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या है? करते हैं डायनामाइजेशन करते हैं जिससे कि क्या होता है कि उसकी उसकी जो हार्मफुल चीज है वो मिट जाती है वो और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस हो जाती है राइट right? एंड uh, दूसरी जो पॉइंट है वो वो जिस तरीके से है कि मेडिसिनल क्वान्टिटी एनहानस करनी है हमें ठीक है कि जो मैंने आपको आगे सबसे पहले कहा कि मेडिसिनल सब्सटेंस को ठीक है मटीरियलिस्टिक चीज को हमें डिक्रीज करना है और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग उसको डिक्रीज किया उसको डायनामाइज किया उसका एक्शन जो है वो इंक्रीज हो ठीक है सो so, इस तरीके से हाँ सिंपल जो मेडिसिनल सब्सटांस है उसको डिक्रीज करना है उसकी पावर इनक्रीज करना है एंड लास्टली पोटेंटाइज मेडिसिन ईपर लॉन्गर एंड मोर वाइड दैट मीन्स की जो डायन छा अगर हमने किया तो हमने आगे इसकी जो डेफिनेशन थी उसी ने बता दिया है कि हम क्या करते हैं इसकी जो मेडिसिनल uh, प्रॉपर्टी है उसको अवेन करते हैं प्लस उसको डेवलप करते हैं इन द एक्टिव फॉर्म ये तो लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमने प्रोटेक्टाइजेशन डायनामाइजेशन किया तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है वो डीपर लॉन्गर एंड वाइडर स्पेब में हो जाए ठीक है तो यह, अब यहाँ पर ये यह बात आती है कि भाई इस चीज़ को हम आ, जो ऑर्गेनॉन है उसके अंदर कहाँ पर टूट सकते हैं तो ये जो है ना ये जो पूरी चीज़ है वो हैनमद सर ने फिफ्थ एडिशन के अंदर

तो अब जो ये थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज है वो कहाँ से आई और ये क्या है ठीक है पहली चीज़ ये आती है कि ये कहाँ से आई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी राइट तो जो हेनमेन सर है उन्होंने तीस साल तक थर्टी ईयर्स तक उन्होंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस किया एंड देन ही रियलाइज कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि रीएप्स होते हैं या फिर तो जो कि बार बार रिकरेंट That की जो कि बार बार उनके पास आते हैं वो उन्होंने मेडिसिन दी है सारे लॉस को सारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम सबको ध्यान में रखते हुए हैं उन्होंने जो अः मेडिसिन उसको दी है लेकिन वो बार बार रिक कर, रिकरेंट होती है दैट मीन्स की वो बार बार कॉज होती है तो ये प्रॉपर क्योर नहीं हुआ राइट और ये जो सारी चीजें थी जो कि बार-बार होती थी वो मोस्ट क्या थी क्रॉनिक डिजीज थी ठीक है तो जो इडियोपैथी थी वो तो अच्छे से जॉन हो जाती थी लेकिन क्रॉनिक डिजीज जॉन नहीं हो पाती थी तो उन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन लाने के लिए पूरे 12 साल तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया क्या कि फिर तो उन्होंने इस चीज को इस इस इन सारी चीजों की पीछे का वो पॉज है उसको समझने की कोशिश की कितने बारह सालों तक और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी विच इज द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज या फिर तो उसका जो पूरा स्टेटमेंट है या फिर तो उसका जो पूरा नाम है वो सच इस तरीके से है इस तरीके की उनकी एक पूरा उन्होंने पूरी बुक लिखी है ऑन द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज ठीक है तो आप वहाँ पर से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हो सेकेंड उन्होंने ये जो थियोरी है उसको uh, लिखा था इन द फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के अंदर जो कि फखिश हुआ था इन द ए नाइन के अंदर ठीक है और ये जो पूरा उनका वर्क है द थियोरी ऑफ द क्रॉनिक डिजीज क्रॉनिक डिजीज एंड नेचर एंड ट्रीटमेंट वो पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1828 के ओके तो आपको पब्लिकेशन ईयर भी याद रखने हैं और वहां से एडिशन के अंदर आपको क्या चीज मिलेगी ये भी याद रखना है ठीक है तो अब हम बात करते हैं इस थियोरी के बारे तो इनको है कि ये कुछ कुछ क्रॉनिक केसेस जो थे वो बार बार वापस आ थे विद बी सेम सिम सेम सिम्टम्स के अंदर या फिर तो डिफरेंट सिम्टम्स के साथ डिफरेंट सिम्टम्स के साथ ठीक है तो उनकी जो ये बारह साल की इन्वेस्टिगेशन थी उनके अंदर उनको पता चला कि ये स्पेसिफिक क्रॉनिक डिजीज होती है उसका जो कॉज है वो क्या है डायनामिक और वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्यूट डिजीज ठीक है एंटीहुड डिजीज का पॉल्सच अलग होता है क्रोनिक डिजीज का पॉल्सच अलग तो यहाँ से शुरुआत होती है किसकी जो क्रोनिक मायजर्ट से उनके कि उन्होंने बोला कि ये जो पॉज है वो डायनामिक है तो वो डायनामिक पॉज को हमने क्या नाम दिया माय वॉल्स ठीक है तो हेनेमंट सर के तरफ से हमारे पास तीन माय समस्याएं द वन व्हिच इज द सेकंड वन व्हिच इज अ सारकॉसिस And the third one is the syphilis. ठीक है तो ये तीनों उन्होंने कॉज ये तीनों की वजह से ही क्रॉनिक डिजीजेस होती है और अगर आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से डीन में समझना है तो आप मेरी चैनल पर जाकर जो माइज वाला लेक्चर है उसको देख सकते हो उसके अंदर मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है लेकिन अभी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे ठीक है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले सौरा के बारे में बताना है कि सौरा को हेनेमन ने क्या है, तो कहा है तो उन्होंने कहा है कि सौरा इज द मल्टी हेडेड मॉन्स्टर एंड मदर ऑफ ऑल राइट्स Okay. तो ये जो दो चीजें हैं वो उन्हें सौरा के लिए बोली है और जो सौरा है वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर आपको मिलेगा ठीक है और हर एक डिजीज के स्टार्टिंग के अंदर वो आपको मिलेगी दे आप देख सकते हो और सेवन बाय सेवन बाय ऑल द डिजीजेस आर कॉ बाय सौरा इतनी चीजें आपको सोया के अंदर लिखनी है और उसके बाद जो रिवेटिंग कुछ डिजीजेस हैं वो साइको की वजह से होती हैं सेकेंड थिंग आपको ये लिखना है कि भाई सोया वो मनेरियल नॉन वेरियन माइजम है और जो साइकोसोलिस है वो वेरियल माइजम है वेनेरियल माइज का मतलब होता है कि जो जनरेशन है जनरेशन फैलता है ठीक है तो ये भी इतनी सी चीजें आपको लिखनी है एंड लास्टली

हाँ बैकिंग में क्रॉनिक डिजीज को क्योर करने के लिए एंटी मैथमेटिक मेथ देते हैं तो लास्टली अब हमारे पास लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स राइट तो अब हम लास्टली देखेंगे कि भाई वाइटल फोर्स क्या है राइट तो वाइटल फोर्स सबसे पहली चीज तो क्या है इट इज अरिग लाइक फोर्स वेरी लाइक फोर्स से केंद्र इट इज अ एनर्जी इसीलिए हमने इसको फोर्स बोला है क्या like क्या है which is function क्या है उसका फॉर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइफ एंड टर्म इज फोर्स ठीक है तो ये एक पूरा स्टेटमेंट है जो कि की ने दिया है द स्पिरिट लाइक फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द नारी इज ज द वाइटल फोर्स दैट मीन्स कि ये क्या है एक स्पिरिट लाइक फोर्स है एक एनर्जी है और उसकी वजह से क्या होता है ये बेनिफिस्ट करता है किसको लाइफ ओके okay? और इसकी वजह से ही सारे जो हमारे बॉडी के फंक्शंस है, हैं वो हार में रहते हैं ठीक है सारे फंक्शंस अच्छे से एक एक अच्छे टाइम के ऊपर एक के बाद एक होते रहते हैं ठीक है इसीलिए वाइटल फोर्स है अगर वाइटल फोर्स है तो वो है राइट ये एक चीजों में बताइए सेकेंड थिंग की ऑन uh, के अंदर नंबर टेन के अंदर उन्होंने वाइटल फोर्स के बारे में बताया है देन थिंग ये है कि विदाउट वाइटल फोर्स मटेरियल बॉडी है ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखती है रखनी है कि वाइटल फोर्स नहीं है तो क्या नहीं है सेंसेशन नहीं है फंक्शन नहीं है एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन ले राइट अब यहाँ से हमारे पास तीन चीजें निकल कर, कर आती है कि वाइटम सोर्स का काम क्या है वाइटल कोर्स का काम है हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेंसेशन को ध्यान में रखना नॉर्मल फंक्शन को हारमोनी में रखना और सेल्फ प्रिजर्वेशन करना दैट मीन्स कि हमें छोटी सी चोट लगती है तो हमारी बॉडी उसको खुद ही ठीक कर लेती है उसके लिए हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती इसीलिए हम पे उसको सेल्फ प्रिजर्विंग बोला है राइट अगर वाइटल फोर्स के बारे में आपको सारी चीजें जाननी है देन प्लीज आप मेरे चैनल पर जाकर वाइट फोर्स वाला जो आ, ज, आ, वीडियो है उसको जाकर देख सकते हो बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ पर तो सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाऊंगी लेकिन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखना है वो डिस्कस कर सकती हूँ कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट वाइटन फोर्स क्या है वाटरफॉल्स के बारे में कौन से में लिखा गया है yeah. और वो कौन सी तीन चीजें करता है जो कि मैंने आपको ये बताई एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर है कि तीन स्टेट के अंदर ही क्या करता है दैट स्टेट के अंदर ही क्या करता है सेकेंड थिंग ये आ, डिजीज के स्टेट में क्या करता है और ये गौड़ के अंदर क्या करता है ठीक है तो ये तीन चीजें आपको बता रही है इस पर्टिकुलर चीज की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर

एंड फंक्शन हो जाता है जिसको कि हम बोलते हैं कि भाई डिजीज हुई लास्ट चौर के अंदर ये क्या करता है कि आ, जैसे कि हमने आगे देखा मिनिमम डोज जो था इन द लॉ ऑफ मिनिमम डोज कि भाई हमारी मेडिसिन अगर हमने दी है तो वो क्या करेगी स्टिमुलेट करेगी राइट स्टिमुलेट करेंगे तो अगर स्टिमुलेट मिला है तो वाइट फोर्स खुद ही सारी चीजें ठीक कर सकता है इट हैज दैट पावर राइट तो एक के, और के अंदर ये सारी चीजें वो करता है एंड लास्ट ही आपको में लिखना है कि फोर्स के बारे में सबसे पहले कहाँ पर लिखा गया था तो फिफ्थ एडिशन के अंदर ऑफ द बुक ऑफ मेडिसिन के अंदर इसको एज अ वाइटर फोर्स लिखा गया था जो कि पब्लिश हुआ था इन 1833 थर्टी थ्री एंड जो सिक्स एडिशन है जो कि हम लोग अभी पढ़ते हैं ऑफ ऑफ मेडिसिन उसके अंदर इसका नाम बाइटन फोर्स से बदलकर प्रिंसिपल रखा गया एंड जो कि पब्लिश हुआ था इन ईयर सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी जो सारा डिस्कशन हमने आज किया है और आपको किस तो तरीके से ये सारा पूरा क्वेश्चन लिखना है जो ये फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है I am um, first year, second, third, fourth year. When you push okay. so this is a fundamental thing that very important. I hope you have understood video like this video. Please Subscribe to my And also, if you like any video, on the specific topic Then you can the section. As well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so for